नमस्कार, आप देख रहे हैं आरआरएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। चित्तौड़गढ़ जिले के डुंगला तहसील के करथाना में प्रशासन द्वारा मंदिर की जमीन को रिको को आवंटित करने के मामले में विरोध के सुर कम होते नजर नहीं आ रहे हैं। इसी क्रम में भारत तिब्बत संवाद मंच ने जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल और अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन कुमार स्वामी को ज्ञापन सौंपा। मंच के राजस्थान क्षेत्रीय अध्यक्ष भारती वैष्णव ने कहा है कि मंच के माध्यम से ज्ञापन सौंप पुनः मंदिर निर्माण कर इसके जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। तुम रास्ता बनाया जिसके तहत हम लोग जा पा रहे हैं, ऐसे उद्देश्य को लेकर हमारा संगठन काम कर रहा है। पर आज हमने हमारे पड़ोस में ही डुंगला में जो मंदिर, डुंगला तहसील के अंदर जो मंदिर है, वहाँ इस तरह का कांड हुआ है कि वहाँ की जो हमारे लिए बहुत बड़ी दुख की बात है और हम चाहते हैं कि प्रशासन इस तरह की गलतियां नहीं करे। इसलिए हम प्रशासन को पूर्णतः जागरूक करना चाहते हैं, चाहे किसी भी संगठन से हो, हम सब सामूहिक रूप से काम करके और प्रशासन को चाहेंगे कि इस तरह की हमारे धर्म से खिलवाड़ ना करें। अच्छा, डुंगला क्षेत्र में जो मंदिर ध्वस्त हुआ है उसको लेकर आप ज्ञापन देने आएंगे, किसको ज्ञापन दे रहे हैं, क्या है? देवस्थान की जो भूमि है इसके तहत कलेक्टर साहब और एडीएम साहब जो का जो क्या नाम है सर, किस संस्थान से है और किस तरह का मामला है, क्या बताएंगे? नाम ज्ञानेश्वरी गोस्वामी है, भारत तिब्बत संवाद मंच जिला चित्तौड़गढ़ जिला अध्यक्ष हूँ। और मैं और मेरा जो टीम है, मेरा संगठन है, वो हम आज डुंगला तहसील के करथाना गांव में जो एक मंदिर हटाया है प्रशासन के द्वारा, जो मंदिर हटाया है उसके लिए हम जिला कलेक्टर महोदय और अतिरिक्त कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन देने के लिए आए। तो किस तरह की मांग है, क्या कहेंगे आप? क्या मतलब, अगर प्रशासन इस तरीके से अगर मंदिर को तोड़ेगा और रिको के अंदर कोई जमीन वमीन अलॉटमेंट करवानी थी या अलॉटमेंट करवाई है, जिन भी अधिकारियों की मिली भगत से वो जमीन अलॉटमेंट हुई है, तो ये क्या है कि अगर भगवान से भी बढ़कर तो अधिकारी नहीं हो सकते हैं शायद, मुझे जब तक लगता है। भगवान की तो कम से कम, ईश्वर की तो कम से कम रखनी पड़ती है कि ईश्वर को भी आप हटा दोगे तो ऐसे हमारे जो हिंदू धर्म के अंदर जो हमारी आस्था है वो तो कम से कम आहत ना करें। किस तरह की मांग है, क्या कहेंगे, क्या ज्ञापन दिया है? हमारी तो यही मांग है कि भाई जिन लोगों ने भी ऐसा कृत्य किया है उस लोगों को कड़ी से कड़ी सजाएं मिले, चाहे उसके अंदर कोई भी अधिकारी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो जो इसके अंदर इनरोल है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और आने वाले समय में ऐसा कभी ना हो, ऐसा जो अमानवीय कृत्य है ऐसे कृत्य ना हो, उसके लिए निर्देशित करके और सरकार से यही अपील और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे कृत्य दोबारा ना हो, इसके लिए कड़ी से कड़े प्रावधान बनाने चाहिए। साथ ही अगर हम प्रशासन से ये गुहार करते हैं कि वहाँ पर फिर से वापस मंदिर का निर्माण कराएं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले समय में मैं, मेरा और संगठन और हमारी पूरी कार्यकारिणी